SBS News, सच का साथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनकर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में 24 अक्टूबर 2013, 16/12/2016, 30 जून 2017, 26 सितंबर 2017, 11 अक्टूबर 2017, 8 नवंबर 2017 तथा 7 फरवरी 2018 को धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ संदेश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार में दबंगों के तथा पूंजीपतियों के तो धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बन रहे, लेकिन जो निर्धन सामान्य वर्ग में हमारे समाज में जो आते हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। इस संबंध में ये राज्य प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख नहीं अपनाया और धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदारों को टाइट नहीं किया तो हम लोग 20 दिसंबर के बाद एक बहुत बड़ा धनगर सम्मेलन लखनऊ में करेंगे और इसके लिए करो मरो की रणनीति होगी, चाहे इसके लिए हमें बलिदानी क्यों देना पड़े। इसके लिए कोई आपने मुख्यमंत्री को या कुछ अधिकारियों को ज्ञापन दिया? पहले भी हम करीब 30 अगस्त 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, अभी 21 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि सभी धनगरों के सर्टिफिकेट बनेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरा आश्वासन है। अब इस कोरे आश्वासन से हम बहकाने में नहीं आएंगे। जैसे ये चुनाव के टाइम पर कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारे समाज को ये लाभ देंगे, लेकिन ये कोई बकवास है, झूठ है, सफेद झूठ है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इसमें बात काफ़ी झूठ का पुलंदा कर रही है। तो अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो आंदोलन तो करेंगे, इसके बाद भी नहीं बने तो हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में मतदान करेंगे, जो जो प्रत्याशी जीतेगा उसे जिताने का काम करेंगे। क्या 2019 का चुनाव कुछ योगदान रहेगा? हाँ, तो 2019 हमारे समाज की संख्या 8.5% है, कोई भी पार्टी हमारे समाज को टिकट नहीं देती है। अगर इसी बात को किया तो हम पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम देश में भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर देंगे अगर हमारे सर्टिफिकेट धनगरों के नहीं बने तो। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को देखते हैं, कोई जात भेदभाव का करते ही बहुत जात भेदभाव नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया तो क्या तहसीलदार में कोई ताकत है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते? ये कोरा झूठ का पुलंदा, इसलिए शासनादेश तो कर दिया भलामन ने, तो किसी तहसीलदार को निलंबित क्यों नहीं किया कि सर्टिफिकेट धनगरों का? बाप का बनाए तो बेटे का क्यों नहीं बना, बेटे का बनाए तो नाती का क्यों नहीं बना? तो क्या है, जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके तो फिर हमारे सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे? फिर उसमें उस तहसीलदारों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की, और जांच की है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की? या तो उन सर्टिफिकेटों को निरस्त करो जो बने, अगर वो सही बने तो ये सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये हम दिसंबर में निर्णय ले रहे हैं थोड़ी देर में कि हम कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे और डू एंड डाई करो मरो जो आज तक इस प्रदेश और देश में किसी समाज ने नहीं किया, जो हम आंदोलन करेंगे।